हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आज दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की न्यूज़ लेके आया हूँ, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो आज से रेट है रिवाइज हो चुके हैं। क्योंकि पहले जब आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में जब शुरुआत में आपने खरीदना शुरू किया था तो 4,000 रुपये का आप पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया चार्ज आपको पे करना पड़ता था, पर स्क्वायर फीट का जो भी अफोर्डेबल का साइज होता था उसके अकॉर्डिंग। आज लेकिन रिवाइज हो चुके हैं रेट, कितना हुआ है, किस हिसाब से और किस जोन के अंदर कितने रुपए यहाँ पे जो रेट है वो रिवाइज हुए हैं, पूरी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, फ्राइडे को एक मीटिंग हुई कैबिनेट की, मनोहर लाल खट्टर जी जो अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक मीटिंग हुई अफोर्डेबल हाउसिंग कंसेप्ट को लेके। अफोर्डेबल हाउसिंग की ये पॉलिसी है, ये अगस्त 2013 के अंदर बनाई गई थी और इस पॉलिसी के तहत जब रेट लॉन्च किए गए थे वो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ये रेट आए थे। ठीक है, तो उस टाइम ये जो रेट थे ये बहुत कम दिखते थे, क्योंकि उस टाइम की जो प्रॉपर्टी गुड़गांव मार्केट ट्रेंड कर रही थी तो ये जो रेट आसपास भी नहीं थे, इतनी सस्ती प्रॉपर्टी हुआ नहीं करती थी। इसकी कंपेरिजन इस रेट में भिवाड़ी बिकता था, क्योंकि भिवाड़ी में आपके 3 BHK वही 20-1 लाख रुपये में 3 BHK मिल जाते थे। तो 2013 में ये पॉलिसी आई अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो गुड़गांव के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग एज ए हाई राइज के तौर पे यहाँ पे आने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे डेवलपरों ने अपने लाइसेंस है वो लेने शुरू किए और इसके अंदर मिनिमम 5 एकड़ तक की यहाँ पे लैंड है वो बिल्डर के पास होनी चाहिए थी, तब यहाँ पे आपको अफोर्डेबल का है वो लाइसेंस प्रोवाइड होता था, प्रॉपर रेरा के तहत ये चीज़ें आती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया, अफोर्डेबल के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के अंदर भी बदलाव होता गया, उसके लेआउट के अंदर भी बदलाव होता गया और लोगों को एप्रिसिएशन है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आज अफोर्डेबल उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां भरमार रहती है लोगों की, क्योंकि अफोर्डेबल है वो बंद हो गए हैं तो लोग वेट कर रहे हैं आने के लिए। एक टाइम ऐसा था कि लोगों के पास मल्टी ऑप्शन होते थे कि एक ही इंसान करीबन करीब 3 से 4 अफोर्डेबलों में अप्लाई करता था, भाई किसी न किसी में तो निकल जाएगा, लेकिन किसी का चांस होता था किसी का नहीं होता था। लेकिन आज वेट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है। आज आप किसी भी डेड लोकेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी आती है ना तो आप वहाँ भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है। तो इसमें एक कैबिनेट में एक मीटिंग हुई और मनोहर लाल खट्टर जी ने इसके ऊपर एक जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट है वो बढ़ाए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गुड़गांव फरीदाबाद वगैरह के अंदर, तो यहाँ पे 20% की ग्रोथ मिली है अफोर्डेबल हाउसिंग को। पहले गुड़गांव के अंदर 4,200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हुआ करता था जो कारपेट एरिया के ऊपर ये रेट था, अब ये रेट बढ़ के आपका हो चुका है 5,000 रुपये का, क्योंकि 800 रुपये यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, आपका पंचकूला, पिंजौर और कालका के अंदर तो अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आज कोई लॉन्च होता है तो वहां पे आपको 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा अफोर्डेबल हाउसिंग, और ये उन प्रॉपर्टी के ऊपर लागू होगा जिसका लाइसेंस आ चुका है और अलॉटमेंट नहीं मिली है। दूसरा जोन रखा है हाई एंड मीडियम पोटेंशियल जोन के अंदर, इस यहाँ पे जो रेट रिवाइज हुए हैं वो हो गए हैं 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जैसे कि इसके अंदर अगर मैं सोना की बात करूं तो सोना में जो पहले रेट हुआ करता था 3600, फिर 3800 हुआ, अब वहां पे जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। उसके बाद अगर जो लो डेंसिटी के अंदर जो टाउन आते हैं उनके अंदर जो वो रेट हो जाएंगे 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट का, ये कारपेट एरिया का। लेकिन बैल्कनी के अंदर भी यहाँ पे रेट रिवाइज किए हैं 200 रुपये पर स्क्वायर फीट का। बैल्कनी का जो रेट हुआ करता था वो था आपका 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, आपका जो बैल्कनी का जो साइज था उसका आपको पे करना पड़ता था। लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी गई है, मान लीजिए आपकी किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर बैल्कनी का साइज आ जाता है 150 स्क्वायर फीट, उसमें आपसे बैल्कनी का जो चार्ज लिया जाएगा वो आपका 100 रुपये 100 स्क्वायर फीट तक का ही आपसे चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए 150 स्क्वायर फीट की बैल्कनी है और आपको जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग 100 स्क्वायर फीट तक ही आप पे करेंगे तो 1,20,000 रुपये ही आप पे करेंगे, उसके एक्स्ट्रा पे नहीं करेंगे आप बैल्कनी का। तो यहाँ पे ये कंडीशन इन्होंने रखी है। पर स्क्वायर फीट के जोन के अकॉर्डिंग बात करूँ पे आपको हाइपर एंड हाई पोटेंशियल जोन के अंदर 800 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट रिवाइज हुए हैं। अगर मैं कहूँ हाई एंड मीडियम पोटेंशियल जोन के अंदर तो 700 रुपये का यहाँ पे हाइप हुआ है पर स्क्वायर फीट के अंदर।
अगर मैं लो पोटेंशियल जोन की अगर मैं बात करूं तो 600 रुपए के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट है वो रिवाइज हुए हैं। जहां पे 3200 रुपए था वहां 3800 हो गया है, और जहां पे 3800 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट था वहां पे 4500 रुपए का रेट हो गया है, और जहां 4200 था वहां पे 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो चुका है। तो दोस्तों धीरे धीरे अफोर्डेबल हाउसिंग के जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम था करीबन करीब मैंने एक वीडियो बनाई थी 6-7 महीने पहले, मैंने उस वीडियो में बोला था कि गवर्नमेंट अभी रेट रिवाइज करेगी जल्द ही, और वो रेट आपके उसी आंकड़े पे आए हैं जिस आंकड़े पे मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था। तो दोस्तों अगर आपके पास अफोर्डेबल है ना तो वो अभी बेचने की चीज़ें नहीं है। ज़्यादातर लोग अभी जीपीए या रीसेलिंग में चीज़ें खरीदते हैं, तो रीसेल भी आज उस लेवल पे पहुंच गई है कि आप मोस्टली डबल पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक अच्छी न्यूज़। तो अगर आपके पास अफोर्डेबल है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अभी बेचने का सौदा नहीं है ये, इसके ऊपर प्रॉफिट कमाइए, आगे प्रॉपर्टी में वर्कआउट करके आप उसके अंदर रेंट आउट कीजिए प्रॉपर्टी को, और इस जो आपकी ये जो संपत्ति है अफोर्डेबल की इसको लॉन्ग टाइम तक एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आपको टाइम पर ये दे के जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी ही न्यूज़ के साथ, थैंक यू।